हैवी परांठा, हैवी परांठा, हैवी परांठा। टेम्परेचर कितना है इस टाइम यहाँ पे? आज तक हम लोगों ने ना यमुना के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। पानी लाने के लिए देखो मेरे को कहाँ कहाँ से घुस के जाना पड़ रहा है। इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो फिर कहाँ से निकलेगी गाड़ी? देखो ये ले लिया हमने जी, मिट्टी वाला चाय का गिलास, 20 रुपीज का है। यहाँ पे देखो यार, वैसे फैसिलिटी भी अच्छी दे दी इन्होंने ना, वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए दे दिया, तो वो पैसे जो है वो 10 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा वॉशरूम के लिए लिए इन्होंने। वैसे अगर साइड में जाना होता कहीं तो वहाँ पे लग जाते पैसे। ये वाली चाय ज़रा टेस्ट करके देखते हैं। नहीं यार, चाय तो काफ़ी टेस्टी है, मतलब 20 रुपये लाइक भी नहीं बोल सकते अपने HP की चाय से अगर कंपेयर करें, तब तो 20 रुपये के लाइक नहीं है, बट फिर भी यहाँ जो है वो है। लेट कहाँ है यार, तोप के नहीं मिल रही है भाई। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। एक तो ये निकल गई, छोटी वाली है भाई ये। देखो मैं कहाँ पे हूँ, इस साइड को आ गया, आप किस साइड पर देखो, ये आई पे उस साइड को आई पे। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 गाड़ियां साथ में इस तरफ से चल रही है, 5 गाड़ियां उस तरफ से चल रही है। कहीं फील ही नहीं होता यार कि हाँ ट्रैफिक भी है, गाड़ियां निकल रही है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं सारे, जिसको जिस स्पीड में चलना है वो चले। हमारी गाड़ी बेचारी 60 की स्पीड में चलती है। हैवी परांठा, हैवी परांठा, हाँ अब 50 रुपए देने लायक है ये परांठा का। अच्छा दही मिल जाएगी क्या? दही मिल जाएगी। परांठे में डाला क्या क्या है इसमें? आलू का ही है पूरा है? आलू का है, प्याज का, हरी मिर्च है, सब चीज़ है इसमें। अच्छा सब यार पहले बोलते तो मैं वीडियो अच्छे से बनाता फिर इसकी। मेरे को लगा कि छोटा सा परांठा बनाना है, पूरा बड़े वाला परांठा बनाना। चल इसकी दही और ये परांठा, अब मैं इन परांठों को हाथ में उठा के लेके आया। नहीं पन्नी में रख रहा हूँ भैया। हाँ हाँ चलो चलो पन्नी में रखो, सब चीज में हो जाएगा। पकड़। हाँ देखो टेंशन क्यों लेते हो, बात लेगा। कितने हुए पूरे? 140 रुपये। 140 हुए, 140 हो गई। चलो लाइए और 10 रुपये। थैंक यू। ये ले लिया है मैंने आज का ब्रेकफास्ट। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को भाई, नया व्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं आगरा, आगरा से थोड़े पीछे हैं और यहाँ पे लगाई थी हम लोगों ने गाड़ी। तो यार पहले ना मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया, अंदर कितना एक्सपेंसिव फूड है यार, मतलब थोड़ी सी सर्विस दे रहे हैं और उसको इतना एक्सपेंसिव, 120 का एक परांठा दे रहे थे और चाय पता कितने की, 42 की चाय दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैंने भाई को बोला कि मैं बाहर जाके आता हूँ, बाहर से जाके स्ट्रीट फूड लेके आता हूँ। और यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े परांठे दिए इन लोगों ने और साथ में दही दी, और मेरा पूरा काम 140 में हो गया। वहाँ पे मेरे को 120 का एक परांठा मिल रहा था, यहाँ पे 140 के मेरे को दो परांठे मिल गए, साथ में दही भी मिल गई। देखो मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को, उसके बाद ही आप लोगों को अच्छा खाना मिल सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपनी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई, ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। देखो इतना मोटा सा परांठा है, दही है, दही है और ये दाल भी। यहाँ पे रुक के ना यार मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे, क्योंकि आगे मौका मिलता है नहीं मिलता है, तो इससे अच्छा है कि जहाँ पे जगह मिले ना। ट्रक वालों को तो होता यही है कि जहाँ पे जगह मिल जाए, पानी मिल जाए, तो बस फिर धो लो कपड़े, फिर नहीं रुकना है। कि ऐसा नहीं है कि हाँ देख लो यार धोए ना धोए, धो लो अपने आराम से, फिर बाद में टेंशन नहीं रहती है ना। अगर अभी धोए होंगे तो, फिर अभी आलस करोगे तो कहीं पे आगे जाके पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पे पछताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पानी था तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, अभी हम लोग निकल जाते हैं सीधे आगरा से आगे तक के लिए बोल रहे हैं भाई कि हाँ आगरा से आगे तक निकल जाते हैं बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं फिर आगरा क्रॉस करके ना, आगरा क्रॉस करने के बाद फिर रुकेंगे कहीं पे कि जहाँ से मतलब हम नाइट वाला सफ़र अपना स्टार्ट कर सके। ले लो ले लो ले लो, आण दो आण दो आण दो।
जगह तो भाई अब लगेगी लगेगी, अब जब विकास होगा तब तो जगह तो लगेगी। एलसीबी व्हीकल, हमारा व्हीकल भी चल पड़ा जी, एंट्री कर रहा है आगरा के टोल प्लाजा में। ओहो हो हो, चना जो है हमारा वो नीचे गिर गया है, वहां पे आएगा देखना हमारी गाड़ी का नंबर। आ जा यार आ जा, कैमरामैन दिख रहा है बट आ गए वहां पे नंबर, मेरे को दिख रहा था अपनी आंखों। जनरथ जो है यूपी का जनरथ है, देखो योगी ने बस का नाम भी क्या रख दिया जनरथ। आए लीजिए भाई, टेम्परेचर कितना है इस टाइम यहाँ पे? 1 लीटर वाले देना ना, 1 लीटर वाले देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ले भाई ले, चको चको चको। पहले ठंडा पानी पी लेते यार, क्योंकि प्यास तब की लगी थी ना। बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गाइस, आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन से फील हो रहा होगा कि कितनी गर्मी है बाहर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं जरा टेम्परेचर चेक करता हूँ फिर बताता आप लोगों को कितनी गर्मी है। 38 है भाई यहाँ पे टेम्परेचर, 38 में भी गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बाहर निकले थे हम 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में ही पसीने आ गए। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ये लोग कैसे सरवाइव करते होंगे? जैसे यार हम लोग ठंड में करते वैसे ये लोग भी गर्मी में करते हैं, क्यों आप लोग क्या मानते हो? माँ यमुना नदी, आज तक हम लोगों ने ना यमुना के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये यमुना ब्रिज, 8 लेन हाईवे को छोड़ के हम लोग घुस गए हैं सिंगल लेन हाईवे में। वो वाला जो हाईवे जो है ना यार, वो अभी बन रहा है, तो वहाँ से इस तरफ से था एक रोड, तो वहाँ से हमें 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ना था, फिर घूम के यहीं पे पहुँचना था रोड, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना सिंगल वे में ही चले जाते हैं। यहाँ का गांव भी हम लोगों ने देख लिया, ये यहाँ के विलेज है देखो यूपी के। अभी हम लोग एमपी में एंटर नहीं हुए, थोड़ी देर में हम लोग एमपी में एंटर कर लेंगे। कितना देर लगेगा होना भाई एमपी में एंटर? ग्वालियर के आगे की ग्वालियर के पीछे है, ये गांव देखे ना मेरे को पंजाब के गांव की याद आती है थोड़ी थोड़ी इनको देख के, पंजाब में भी कुछ इस तरह के ही विलेज होते हैं। गांव की सड़कों के हाल ना यार ऐसे ही होते हैं, देखो हमारे एचपी में भी यही हाल है और देखो यूपी में भी गांव की सड़कों के यही हाल है। देखो चले फोर लेन की वजह से भी है ना, फोर लेन की गाड़ियां जा रही है। यहाँ पे ना 1 घंटे से पूरा जाम लगा है, जाम लगा है वो तो जो एक्सेप्ट है, बट भाई यहाँ की जो गर्मी है ना वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, साइन ही नहीं की जा रही यार, इतनी ज्यादा गर्मी है। जगह कौन सी है? आगरा से आगे वाला जो है ग्वालियर के लिए, जब हम आगरा से यहाँ पे जगह का नाम है कहीं आगे रोहता। पानी लाने के लिए देखो मेरे को कहाँ कहाँ से घुस के जाना पड़ रहा है। अब यार देखो पानी भी लाना ही पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होगी है ना, गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा है। मतलब एक गर्मी होती है कि जो सहन हो जाती है, बट ये ऐसी गर्मी है जो सहन नहीं हो पा रही है। अब लाइनें चल पड़ी है, फायदा नहीं लाइनों पर, इतनी ज़्यादा गर्मी पहले कभी सहन नहीं की जितनी इस बार सहन कर रहा हूँ मैं। ये लगा देखो इतना बड़ा जाम लगा, और वहाँ पे अपनी गाड़ी देखो ये लगी है बीच में हमारी गाड़ी। अब यहाँ पे मैं पानी की बोतल के लिए आया हूँ, बट इनका कोई पता नहीं कब गर्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ना गाड़ियाँ कहाँ से निकलेगी यार, जब इधर उधर से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो रही है तो फिर कहाँ से निकलेगी गाड़ियाँ? देखो अब उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो फिर कहाँ से निकलेगी गाड़ियाँ? देखो इस वक्त लगा है पूरा जाम यहाँ पे, देखो यहाँ से आ रहे थे परे से गाड़ियाँ। फाइनली
दो घंटा जाम में लगने के बाद अब जाम खुल गया है, जल्दी से हम लोग हाईवे पे पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद थोड़ी टेंशन नहीं होती है, जब से हम लोग सिग्नल ना उसके बाद टेंशन आना स्टार्ट है। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं ग्वालियर, ग्वालियर से थोड़ा सा पीछे हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश एमपी में हम लोगों ने एंटर कर लिया है। कल का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो भाई खरड से हम लोग कल शाम को चले थे 8 बजे, और फिर सुबह हम लोग रुक गए थे आगरा से, थोड़े पीछे रुक गए थे 2-3 घंटे के लिए, वहां पे नहाए धोए, और उसके बाद भाई को भाई के दोस्त की कॉल आती है कि बोलते यहाँ पे मत रुको, यहाँ पे रुकना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, चोर वगैरह बोलते वहाँ पे हो सकते हैं, तो हम लोग वहाँ से भी निकल लिए। और यहाँ पे अब हम लोग एक पंजाबी ढाबे में रुके हैं, जहाँ पे मैं एक होते हैं ना कि यार सिक्योरिटी फील होता है कि जब हम ढाबे के अंदर गाड़ी लगा लेते हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी वाली वो फीलिंग आती है। कल जब हम लोग चले थे 8:30 बजे चले थे, 8:30-9 बजे चले थे, और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं 4 बजे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिनर करना है, उसके बाद देखेंगे कि रात को निकलना है या नहीं निकलना है। सफर आप लोगों को बताऊं तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 609 किलोमीटर है खरड से ग्वालियर तक का सफर। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, SP2 MP टूर का आप लोग इंजॉय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियो देख के चले जाते हैं और कमेंट नहीं करते। अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी तो मैं आप लोगों के बारे में जानूंगा, ठीक है ना, तो कमेंट जरूर करना है। और अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अभी के लिए करते हैं हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो एंड, और टेक केयर, stay home, stay safe, bye bye.